जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम जानकारी शेयर करने जा रहे हैं कि गुप्त नवरात्रा क्या है और गुप्त नवरात्रा में किसकी पूजा की जाती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, एक वर्ष में चार नवरात्रा आते हैं। चार नवरात्रा में से दो प्रत्यक्ष नवरात्रा कहे जाते हैं और यह प्रत्यक्ष नवरात्रा गृहस्थ जीवन में रहने वाले यानी कि आम व्यक्तियों के द्वारा माता का पूजा पाठ किया जाता है। लेकिन चार नवरात्रि में दो गुप्त नवरात्रा भी होते हैं और इन गुप्त नवरात्रि को आम व्यक्ति नहीं मनाता है, तो फिर इन्हें कौन मनाता है? तो इन नवरात्रि को साधक, सन्यासी, सिद्धि प्राप्त करने वाले तंत्र मंत्र के ज्ञाता, तांत्रिक मांत्रिक जैसे व्यक्ति देवी की उपासना गुप्त नवरात्रा में करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई आम व्यक्ति गुप्त नवरात्रा नहीं कर सकता है या गुप्त नवरात्रा में माता का पूजन नहीं कर सकता है, कर सकता है। तो प्रत्यक्ष नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में बेसिक रूप से क्या अंतर है, आज इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी संक्षेप में शेयर करने जा रहे हैं। तो छोटा सा वीडियो है, पूरा वीडियो देखिए, कहीं ना कहीं ये आपके ज्ञान को बढ़ाने वाला होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो नवरात्रि वर्ष में चार बार आती है, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन माह में। इनमें से चैत्र माह की नवरात्रि को बसंत नवरात्रि कहा जाता है और अश्विन माह की नवरात्रि को शरदीय नवरात्रि कहा जाता है। इसके अलावा आषाढ़ और पौष माघ में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। सभी नवरात्रि माँ आदिशक्ति भगवती की कृपा को प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद, वरदान और देवीय सिद्धियों को प्राप्त करने वाली होती है। सभी लोग माता का आशीर्वाद चाहते हैं, तो नवरात्रा में आप सभी माता के नौ रूपों का पूजन करते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रा में माता के नौ रूपों का पूजन नहीं होता है। जी हाँ, गुप्त नवरात्रा के दिनों में देवी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। यदि आप गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं तो आप नौ रूपों का पूजन कर सकते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रा में माता की 10 महाविद्याओं का पूजन होता है। अब आप पूछेंगे कि यह 10 महाविद्या क्या है, तो देखिए इसे हमने अलग से एक वीडियो बनाकर बताया हुआ है, इसलिए हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे, अन्यथा ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि 10 महाविद्या क्या है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक हम आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के अंत में छोड़ देंगे, इस वीडियो के अंत में आपको वीडियो दिख जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो गुप्त नवरात्रा के दिनों में देवी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है और इन 10 महाविद्याओं का तंत्र शक्तियों और सिद्धियों में विशेष महत्व माना गया है। दुनिया के सभी तांत्रिक 10 महाविद्याओं का पूजन करते हैं। तो प्रत्यक्ष नवरात्रा में लोग सांसारिक जीवन से जुड़ी चीजों को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए देवी की नौ रूपों का पूजन करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रा किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए या कोई विशेष सिद्धि प्राप्त करने के लिए की जाती है। ये सबसे बड़ा अंतर है। आप भी अपनी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए गुप्त नवरात्रा में साधना कर सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, यदि आपको नहीं मालूम है तो अभी गुप्त नवरात्रा चल रहे हैं। 12 फरवरी से गुप्त नवरात्रा शुरू हो चुके हैं और आज तीसरा दिन है। तो गुप्त नवरात्रा साधारण नवरात्रा से कुछ अलग है। गुप्त नवरात्रा में तंत्र साधना का विशेष महत्व माना गया है और आपको बता दें कि तंत्र साधना हमेशा गुप्त रूप से की जाती है और इसीलिए जब भी आप गुप्त नवरात्रा साधना करें, इसे गुप्त रखें, बंद कमरे में करें या फिर कहीं एकांत में ही करें, किसी को बताए नहीं, किसी को बताए बिना ही आपको गुप्त नवरात्रा करना चाहिए और इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रा कहा जाता है। तंत्र विद्या की कामना रखने वाले साधक और तांत्रिक इसीलिए गुप्त नवरात्रा ही करते हैं। गुप्त नवरात्रा में सिद्धियों की प्राप्तियाँ होती भी है, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। काफ़ी साधकों ने सिद्धियाँ प्राप्त की है। एक समय था जब केवल और केवल गुप्त नवरात्रा का ही चलन था, लेकिन धीरे धीरे चार नवरात्राओं का चलन हो गया, यानी कि मुख्य रूप से तो गुप्त नवरात्राएं ही हैं। तो जैसा कि आपको पता चल चुका है कि गुप्त नवरात्रा में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा और साधना की जाती है। तो ये 10 महाविद्या क्या है, आप हमारे वीडियो में, अगले वीडियो में जो अंत में दिखाई देगा उससे आप समझ सकते हैं, लेकिन नाम हम आपको बता देते हैं। तो माता के 10 महाविद्या है, माँ काली के, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माता छिन्न मस्तिका, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ बगलामुखी, माँ कलमा देवी, माँ धूमावती
और माँ मातंगी। तो ये है माता की 10 महाविद्या। गुप्त नवरात्राओं का महत्व, प्रभाव और पूजा बताने वाले ऋषियों की बात करें तो श्रृंगी ऋषि का नाम सबसे पहले लिया जाता है। एक छोटी सी कथा है, इस कथा के अनुसार एक बार एक महिला श्रृंगी ऋषि के पास गई। उसने बताया कि उसका जीवन काफ़ी कष्टों से भरा हुआ है, उसके पति दुर्व्यसन करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य, व्रत या अनुष्ठान ना तो वो करते हैं और ना ही उसे करने देते हैं। तो महिला ने पूछा कि मैं माँ शक्ति की कृपा पाने के लिए क्या करूँ। तब ऋषि ने महिला को गुप्त नवरात्रा में साधना करने के लिए कहा और ऋषिवर ने उसे साधना विधि भी बताई। पूरे विधि विधान से पूजन करने के बाद उस महिला के सारे कष्ट दूर हो गए। ये संक्षेप में हमने आपको कहानी बताई। तो यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान 10 महाविद्या का पूजन कर ले, रोजाना 108 बार भी 10 महाविद्या पूजा मंत्र का जाप कर लें और उसकी साधना कर लें तो साधना को माता मान लेती है। तो सबसे सरल साधना तो यही है कि आप माता के 10 महाविद्या का पूजन करें और 108 बार 10 महाविद्या मंत्र का जाप कर लें। तो ये मंत्र आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे आप कहीं भी लिख लें और नियम से आप जाप कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको यह जानकारी, यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, जय 10 महाविद्या।